हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा। आपका फिर से स्वागत है मेरे निशा किचन चैनल में। आज मैं लेकर आई हूं टमाटर की चटनी की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान होता है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। और ये मैं आपको देसी स्टाइल सिलबट्टे से चटनी बनाना बताऊंगी कि आप इसको सिल पर किस तरीके से बना सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी बनाई हुई चटनी पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिया मैंने 1 टीस्पून वाइट नमक, 1 टेबल स्पून लिया मैंने ब्लैक नमक, और 8 से 10 कलियाँ लहसुन की ली है मैंने, और 2 लिए मैंने हरी मिर्च। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप हरी मिर्च थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर लिए मैंने 2 प्याज और 4 लिए मैंने टमाटर मीडियम साइज़ के। अब इन टमाटरों को हम चाकू की हेल्प से इनके छिलके हटा देंगे। हम इनके छिलके हटा देंगे टमाटरों के, तो ये सिल पर आसानी से पिस जाएंगे। अब इन टमाटरों को हम कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। तो हमने सारे टमाटरों को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसी तरीके से हम प्याज को भी छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। तो प्याज और टमाटर को हमने काट लिया है। ये देखिए, मैं आपको दिखा दूं, मैंने इस साइज के पीसेस बना लिए हैं, आप भी बना लें। और टमाटर को भी मैंने छोटी स्लाइस में कट किया है, आप भी इसी तरीके से कट कर लें। तो चलिए हम सिल पर चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लहसुन और हरी मिर्च, और रखेंगे हम इस पर नमक। नमक मैंने 1 टीस्पून के बराबर लिया है, आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। अब इन्हीं के साथ हम थोड़ी प्याज रखकर पीसेंगे। थोड़ी प्याज हम अभी पीस रहे हैं, जो बची हुई प्याज है हम इसको बाद में पीसेंगे। आप इस चटनी को मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन इस तरीके से सिलबट्टे से पीसने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है, और चटनी के अंदर लहसुन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। इसको डालना आप बिल्कुल ना भूलें। इसी तरीके से आप इसे अच्छी तरह से पीस लें। अब ये प्याज का पेस्ट और लहसुन और हरी मिर्च का अच्छे से पीस चुका है, इसको हम कटोरी में निकाल लेंगे। आप भी इतना फाइन पेस्ट बना लें। अब हम टमाटरों को पीसेंगे। पहले हम थोड़े टमाटर पीसेंगे। चटनी की मुख्यता बनती है हरी मिर्च, लहसुन और नमक से। अगर उसके मिक्सर में हम टमाटर मिक्स कर दें तो बन जाती है टमाटर की चटनी। पुदीना मिक्स कर देते हैं तो हो जाती है पुदीने की चटनी। पुदीने की चटनी, आम की चटनी, इमली की चटनी, लहसुन की चटनी, धनिया की चटनी, इस तरीके से हम कई तरीके की चटनी बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाती है, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर तैयार होती है। इस चटनी को हम पराठों के साथ, चपाती के साथ, आलू टिक्की के साथ, दही वड़े के साथ, कोई भी चाट में डालकर इस चटनी को हम खा सकते हैं। चाट का टेस्ट भी दुगना हो जाता है। टमाटर को इसके अंदर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे।
हम थोड़े टमाटर और पीसेंगे। जैसे हमने पहले टमाटरों को पीसा था सेम उसी तरीके से हम इनको पीस लेंगे। तो हम इस चटनी को पराठे या चपाती के साथ खाते हैं, तो इसमें बटर डालकर खाइएगा। आप जो लोनी घी में घर में निकालते हैं छाछ में से डालकर खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है ये चटनी। एक बार यकीन मानिए, बनाकर देखिएगा और खाकर देखिए। आप इस चटनी को हफ्ते में 2 बार खाना ज़रूर पसंद करेंगे, ये आपको इतनी पसंद आएगी। अब जो ये टमाटर है ये अच्छे से पीस चुके हैं, तो जो कटोरी में हमने जो पहले पेस्ट रखा हुआ था उसी के अंदर हम इसको डाल देंगे। अब इस चटनी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इस चटनी को 4 से 5 दिन के लिए आप फ्रिज में बनाकर रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, ताकि आप बनाओ और एंजॉय करो। चपाती के ऊपर 1 चम्मच चटनी रखकर और उस पर बटर डालकर छाछ के साथ खाओ, ये बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इसको एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी बनाई हुई चटनी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि मेरे आने वाली हर रेसिपी की वीडियो आपको मिल सके। फिर मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।